हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दिन है अपना सैटरडे और तारीख हो गई है आज अपनी 24th ऑफ अगस्त, और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। और अभी हम लोग अहमदाबाद से कल रात को ही आ गए थे यहाँ पे अपने गांव पसादल में। यहाँ पे पीछे देख सकते हो, और अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से कुंभलगढ़ 2 दिन के लिए, वहाँ पे स्टे करने के लिए। 2 दिन सबकी छुट्टी, तो इसलिए जा रहे हैं कुंभलगढ़। सब एंजॉय करके फैमिली के साथ है, और पैकिंग वैकिंग हो गई, सब लोग रेडी हो गए हैं, और अभी बस निकलने के ही देर है। तो अभी सामान लोड करेंगे गाड़ी में और सीधा निकलेंगे कुंभलगढ़ के लिए। तो अपन रात को लेकर आए थे ये फ्री स्टाइल, और अभी अपन जाने वाले ड्राइवर में, क्योंकि अभी हम लोग हैं 6 लोग हैं और ड्राइवर में सामान भी रहेगा, तो इसलिए सामान के साथ 6 लोग फ्री स्टाइल में आ तो नहीं सकते। उसमें 4 लोग प्लस सामान हो तो आराम से आ सकते हैं, लेकिन अभी 6 लोग और सामान है, तो इसलिए ड्राइवर लेके ही जा रहे हैं। तो आराम से कंफर्टेबली एकदम जाएंगे, और आराम से यहाँ से लगभग कुछ अराउंड 230 to 240 किलोमीटर जितना है यहाँ से, तो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे जितने का रास्ता है। और 2 बजे का चेक इन है हमारा, तो आराम से पहुँच जाएंगे शायद से 3:30 आजू बाजू, क्योंकि अभी 11 बज रहा है। इसीलिए कल रात से वैसे तो बारिश चालू ही थी, लेकिन जब हम लोग आए तभी थोड़ी रुक गई थी। अहमदाबाद में कल सुबह से बारिश चालू थी, यहाँ पे तो शायद से कल होगी नहीं होगी, पता नहीं है। बादल वादल क्या ही घने हो रहे हैं एकदम। पोपट झाले आमचा। तो गाड़ी में वैसे 150 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन जाते टाइम अभी रिफ्यूलिंग कराते जाएंगे। तो गाड़ी में अभी आया है 2899 का पेट्रोल, रेंज दिखा रहा है 530 की। तो फिलहाल पहुंचे पालनपुर, एरोमा सर्कल पे खड़े, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ी में आ रही है एयरबैग चेक की वार्निंग, वो दिखा कर जाएंगे। तो ये अपन ने ले लिया फराली सब वेफर्स वगैरह। बहुत ही तगड़ी वाली बारिश चालू है अभी गाइस, बहुत ही तगड़ी वाली। पिछले कुछ ऐसे ही 40-50 किलोमीटर से ऐसे ही ये गांव वाले रास्ते में ही चल रहे हैं हम लोग, और 2 रास्ते थे, एक उदयपुर वाले जो सीधा है, तो उदयपुर से शायद से कुछ 50-60 किलोमीटर पहले एक रास्ता अंदर को ऐसे मुड़ता है लेफ्ट टर्न की ओर, तो वहाँ से अंदर ये पूरा गांव वाला रास्ता एक ही रास्ता जाता है शायद से, ये वाला कुंभलगढ़ की ओर, तो वही रास्ते पर है अभी। और यहाँ पे पूरा ट्रैफिक है, सुबह के 11 बजे से यहाँ मैंने वो कम किया है इसीलिए, तो सुबह के 11 बजे से निकले और अभी बजने को आए हैं 4:15 हो गए, लेकिन अभी तक 20-22 किलोमीटर कुछ बाकी है कुंभलगढ़ पहुँचने में। और पूरे रास्ते में बारिश मिली है, बीच में 2-3 जगह पे ऐसे हुआ था कि बहुत ही ऐसे धूप निकले हुए थे, लेकिन बारिश वैसे कंटिन्यू है। पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट। गाइस रास्ता अच्छा है,
अच्छा रास्ता है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग को रास्ता मालूम नहीं था, तो इसीलिए मैं गाड़ी में से उतर गया था देखने के लिए कि किसका गेट किधर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क एक मतलब कि एक डंडी भी नहीं आ रही नेटवर्क की, तो इसलिए मैं उतर गया था देखने के लिए। लेकिन फिर आगे जाके गेट मिल गया अपन को रिसोर्ट का, और ये रहा अपना रिसोर्ट, तो इसलिए मैं चल के आ रहा हूँ पीछे से अभी। तो गाइज ये है अपना रूम और ये है व्यू, क्या ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट 6 आवर्स की ड्राइव करके हम लोग पहुँच गए हैं कुंभलगढ़, और द रिसोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अभी बहुत ही लाइक बुकिंग वगैरह हो रखी है, तो 2 रूम्स हम लोग ने लिए हैं और व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। एक रूम पीछे वहाँ पे है और एक रूम अपना ये रहा। द रूम इज़ वेरी बिग, तो अभी सुबह से निकले थे, 11 बजे से निकले हम लोग, और यहाँ पे आते आते हम लोग को भी बज गए हैं 6:30 बजे ऑलमोस्ट। तो सुबह से किसी ने अभी चाय भी नहीं पी है, तो पहले तो आके ऑर्डर किए हम लोग ने चाय, तो मैं बोला कि पहले तो भाई चाय दे दो, क्योंकि चाय के बिना बहुत ही ऐसे सर दर्द हो रहा है सबको, और ऐसे ह्यूमिड वेदर है लेकिन बारिश हो रही है और व्यू आ रहा है बहुत ही खतरनाक। लाइक एक एल्टीट्यूड पे मतलब कि आजू बाजू के सारे पहाड़ हैं और उसके बीच में रिसोर्ट बना है, रिसोर्ट का नाम है कुंभा बाग रिसोर्ट, लेकिन बहुत ही बढ़िया है, वर्थ द प्राइस है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह है आजू बाजू में, वहाँ सामने भी देख सकते हैं कुछ बना है, ऊपर भी है और यहाँ पे भी है। और ये है अपना मेन एंट्रेंस, यहाँ से लेके ये सारा एंट्रेंस है और यहाँ पे ये पार्किंग है। यह अपने चल रहा है चाय नाश्ता। ये मेरा भाई है, इसको तैरना नहीं आता है पर ये ट्राई कर रहा है। गाइस देखो मैं पूल में हूँ, मैं किड्स पानी बहुत पूल में है और अपने को तैरना नहीं आता इसलिए अपन सिर्फ ऐसे बैठते हैं। तो स्विमिंग पूल में बहुत ही मजे करने के बाद अभी हम लोग आ गए टीटी खेलने के लिए, उसके बाद हम लोग रेडी होने के लिए गए थे स्विमिंग पूल में जाने के बाद, और अभी डिनर का भी टाइम हो गया है लेकिन हम लोग को अभी इतना कुछ भूख वगैरह है नहीं, तो अभी पहले टीटी खेलेंगे उसके बाद जाएंगे डिनर के लिए। यहाँ पे सब लोग का अलग अलग गेम चालू है, कौन क्या खेल रहा है मालूम नहीं पड़ रहा। यहाँ पे पापा पूल ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है टीटी। तो गाइस ये है पूरी प्रॉपर्टी अपने रिसोर्ट की, देख सकते हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है जहाँ पे अभी अपन नहा रहे थे। यहाँ पे अपना कैफेटेरिया जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए,
और डिनर फिर बताएंगे कि क्या क्या है सब्जी वगैरह खाने के लिए डिनर में। तो यहाँ पर बैठ गए खाने के लिए, खाना स्टार्ट भी कर दिया है लेकिन फिर से याद आया कि ब्लॉग बनाना बाकी है इसे भी। चल बाजू पुल में जाऊँ जा। देख सकते हैं गाइस पूरा कोहरा ही कोहरा अच्छा आ गया यहाँ पे। ये गाइस पूरे कोहरे में आते हुए The next day. Hello, good morning guys. So this is the next day. और रात को खाना खा के फिर आके गेम्स खेल रहे थे और उसके बाद थके थे तो इसीलिए थोड़ी बात बात करके फैमिली के साथ सो गए थे सब लोग। और अभी बज रहे थे लाइक कि सुबह के 8:15 बज रहे 100 बजे और नज़ारा बहुत ही बढ़िया है एकदम। अभी बारिश नहीं आ रही है लेकिन बहुत ही लाइक कोहरा वगैरह जमा हुआ है देख सकते हैं। सो ये है पूरा पार्किंग। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो सारी गाड़ियाँ जीजे की ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जीजे की है। अभी देख लो जीजे 2 है, जीजे 1 है, जीजे 27 है, जीजे 18 है, जीजे 8 है। तो जितने भी गाड़ियाँ पड़ी हैं यहाँ पे 12-14 गाड़ियाँ कुछ है, सभी की सभी जीजे वाली गाड़ी है पूरी होटल में। और मोस्टली आप लोग अगर नोटिस करोगे तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट में अगर आप देखोगे तो गुजरात में तो सिर्फ गुजरात वाले होते हैं लेकिन अगर महाराष्ट्र और ख़ास करके राजस्थान में उदयपुर, माउंट आबू, कुंभलगढ़ और भी बहुत सारी जगह है जैसलमेर वगैरह, आपको सभी जगह पर गुजराती से दिखेंगे मोस्टली। मतलब ये ऐसा होता है कि अगर कोई होटल पर आप जाओ तो आप आपको 90% गाड़ी है या फिर 90% लोग गुजरात के मिलेंगे स्टे करने वाले जो कि एज अ गेस्ट आएंगे टूरिस्ट, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है पूरा का पूरा ही गुजरात वाले पूरे ही। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:15 और हम लोग अभी कर रहे हैं चेकआउट। बारिश चालू है 2 दिन से पूरी की जो चालू थी वही पापा बोला वैसे जो तो कुछ तो गाइस यहाँ पे पूरा आगे कोहरा ही कोहरा जमा हुआ है। गाड़ी उभी रख के क्या करेंगे फिर, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, 50 फुट के आगे पूरा कोहरा है। साइड में कुछ दिखे तो बताना आपको, क्या मुझे नहीं दिख रहा आपको क्या दिखेगा रास्ता। हाँ ये देखो गाइस बहुत ही ज्यादा कोहरा है आके। तो यहाँ पे सब जगह पे फॉग वगैरह जमा हुआ है, नेचर देख सकते हैं क्या ही फील है भाई। उधर सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, शायद से मुश्किल 50-60 फुट के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। फोटोग्राफी प्रो मैक्स